स्कैम हो गया भाई। गाइस ये वाली हॉस्पिटल है जिसमें मैं जाता हूँ, ये हॉस्पिटल है मेरी। और यहाँ राजीव रंजन शिकारी शिकार करने के लिए जा रहा है। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। यारत हो गई मेरी रात के भाई, बहुत ठंड है। अब तो जिम में भी है ना, मुश्किल हो गया है भाई। मेरे को सोच लेने पड़ेगा इसके लिए। बहुत ठंड है भाई बाहर तो। एक्सट्रीम लेवल की ठंडी अब शुरू हो गई है। ये तो कुछ नहीं है, अभी धीरे धीरे इससे भी ज़्यादा होगी। इंटर की फर्स्ट नो प्रॉब्लम। लगिए तो यहाँ आए, ये फ्रेंकी जैसे बना के देते हैं ये, और आपको इसमें से एक एक करके जो भी आपको पसंद है वो एक बास्केट में लेके देना है, तो बना के देंगे अच्छा वाला। देखते क्या होना क्या, ये बॉइलिंग खाएगा। बढ़िया धूप को रखिए भाई। अब कुछ ज़्यादा ही ठंड बढ़ गई है, इससे बिना जैकेट के या बिना ग्लव्स के तो आप कहीं बाहर जा ही नहीं सकते हो। डिनर के लिए बाहर आए, देखते हैं क्या मिलता है। एक बीबीक्यू है, यहाँ पे आए थे ये बंद है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ जाके देखते हैं। स्कैम हो गया भाई, बड़ा स्कैम हो गया है। जाके अंदर देखो तो सही। अगर तो फेक सुधी से ला रहा हूँ। हाँ। यूँ सामा। हाँ यार उस आँखों में। हमें जो नहीं यूँ चौची डाल चाय। चलो चलो वहाँ सब कुछ। एक अच्छी रेस्टोरेंट में आए तो सही, लेकिन वहाँ कुछ खाने को है नहीं। वेजिटेरियन नॉन वेज तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा। हेलो गाइस, वैसे गुड आफ्टरनून, आज
आज देखता हूँ, आज मैं 2:30 बजे ही निकल गया, देखते हैं आज की मूवी होगी फिर देखते क्या होता है। वैसे इतने टाइम पे इतनी ठंड नहीं लग रही, जैसे मैंने सोक्स नहीं पहने तो भी चल पता है कि ज़्यादा ठंड है। देख मेडिसिन, तो अब मेरा है क्या इमरजेंसी मेडिसिन, तो कल डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है मेरे को, जाना पड़ेगा कल तो कंपल्सरी जाना पड़ेगा। वैसे कभी कभी ना जाओ तो भी चलता है, और लास्ट डिपार्टमेंट में तो मैं बिल्कुल नहीं गया सर, मुझे तो कल तो जाना ही पड़ेगा। हो सके अगर कल हो तो मैं आपको हॉस्पिटल दिखाऊंगा, मेरी एकदम बढ़िया हॉस्पिटल। जैकेट पहना है, हुडी पहनी है, टोपी पहनी है, ऐसे जिम में आना पड़ता है, बहुत ठंड लगती है। आज मैं आया 2:30 बजे, देखते हैं 2:30 बजे कितनी भीड़ रहती है, तो 2:30 बजे तो नहीं होनी चाहिए। ट्राई करूँगा कि अच्छे से मैं यहाँ के हॉस्पिटल दिखाऊँगा और कैसे ये लोग काम करते हैं, जैसे ओ पी डी कैसे रहते हैं, उसके बाद एडमिट किया हुआ है तो कैसे रहते हैं, देखते ट्राई करूँगा कि मैं आपको दिखाऊँ, अगर सही से लोग बनता है तो मैं आपको बताऊँगा एकदम परिवार। तो चलो मिलते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। बीच में स्मोक खुल हुआ था, उसके बाद में होगा ना तो वापस बहुत ठंडा हो जाएगा, फिर तो फिर बढ़िया ठंडी लगेगी। यहाँ के जिम के एक भीड़ बात बताओ आपको मैं, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मेरे को तो बहुत गंदा लगता है। वो ये है कि यहाँ जो पब्लिक टॉयलेट होता है ना, मतलब कि सिंपली पब्लिक बाथरूम्स, उसमें ये लोग नंगा नहाते हैं, कुछ भी नहीं पहनते, और ऐसा नहीं कि नंगा नहाते हैं तो फिर बाद में जल्दी से पहनेंगे, ये लोग शांति से नहाएंगे, ऐसे ही नंगे बैठे रहेंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे लेकिन कपड़े नहीं पहनेंगे, मेरे को बहुत गंदे लगते हैं, साले चूते बहुत गंदे हैं ये लोग, नंगा रहते हैं, कपड़े ही नहीं पहनते भाई। ये इसकी वियर्ड बात है, और ऐसा ओनली बॉयज़ में नहीं है, ऐसा गर्ल्स में भी है, ये गर्ल्स में भी सारे मतलब कि ऐसे नंगे रहते, मेरे को मेरी फ्रेंड्स बता रही थी कि सेम वहाँ भी ऐसा ही होता है। तो गाइस यहाँ ये चाइनीज लोग पब्लिक बाथरूम में नंगे रहते हैं, कुछ भी नहीं पहनते, वियर्ड चेंज है भाई।
बहुत गंदा आता है। वो पानी पीते हैं यहाँ तुम बढ़िया पीते हैं। लेमन टी कौन सा है? ये वाला ऑर्डर किया मैंने, लेमन वाटर नींबू पानी। नींबू पानी करके देखते हैं ये वाला रहा। लेमन छे चार यूएन का है, मतलब कि 50 इंडियन करेंसी में 50 जितना हो जाएगा। सोचते ट्राई करते, मेरे को तो बहुत अच्छा ही लगता है, तो देखते पीते हैं। गाइस ये वाली हॉस्पिटल है जिसमें मैं जाता हूँ, ये हॉस्पिटल है मेरी। इसी बिल्डिंग उस साइड भी है, चार पांच जितनी बिल्डिंग है यहाँ, ये हॉस्पिटल में जाता हूँ मैं। मैंने बिना बस का चलाया था, देखिए आज का हालत ख़राब हो गया है। ब्लॉग भी नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि कुछ होता ही नहीं है गाइस, बस जिम में आता हूँ और सो जाता हूँ, फिर मैं जाता हूँ, उसके अलावा कुछ है भी नहीं, तो फिर क्या ही करें। अब सब बढ़िया होगा भाई, आपको भाई बढ़िया जिम करेगा, फिर मिलते हैं गाइस इंडिया में।